तो दोस्तों सैमसंग S10 के बाद S11 की डिटेल्स भी हो चुकी है यहाँ पर लीक, और S11 में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, क्या क्या उसपे फीचर्स देखने को मिलेंगे, आइए वीडियो में जानते हैं। दोस्तों सैमसंग S11 में सबसे पहला फीचर जो आता है वो उसका डिस्प्ले आता है। इसमें 6.4 इंच का डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा जो 1440x3040 पिक्सल का रेजोल्यूशन वाला होगा। अब इतना रेजोल्यूशन है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है पूरा HD यानी कि 4K डिस्प्ले होगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड का वर्जन 9.0 पाई वाला ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और ऑक्टाकोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है जो कि 2.73 GHz का है। अगर हम बात करें इसमें चिपसेट की तो अभी पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई है, बट चिपसेट जो है वो पूरी तरीके से उम्मीद है कि एक्जिनोस का चिपसेट इसमें देखने को मिलेगा। अगर इसमें रैम की बात की जाए तो इसमें 8GB की रैम हमें देखने को मिल जाएगी, और स्टोरेज में अगर हम देखें तो स्टोरेज हमें 256GB का इसमें इंटरनल देखने को मिल जाएगा, और साथ में ये एक्सपेंडेबल जो होगा इसमें 512GB का एक्सपेंडेबल स्टोरेज हमें देखने को मिल जाएगा। GPU की बात करें तो इसमें माली G76 MP12 GPU देखने को मिल जाएगा, यानी कि गेमिंग फ़ोन पूरी तरीके से होने वाला है, ये गेम्स इसमें स्मूथली रन करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया GPU जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमें देखने को मिल जाती है हमें 3700 mAh की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और लास्ट में अगर हम नज़र डालें इसके कैमरे की तरफ तो कैमरा इसमें 4 लेयर वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 13 मेगापिक्सल के, 1 16 मेगापिक्सल और 1 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे के बारे में अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, जैसे ही आएगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और सेंसर के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलोमीटर और कंपास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें दिया गया है। लास्ट में अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस फिलहाल तो अभी इसका निकल कर नहीं आया है, लेकिन अप्रॉक्स 60,000 से ऊपर ही इसकी प्राइसिंग होने वाली है क्योंकि S10 की भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग रखी गई थी। तो बस यही था वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।